हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज इन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक फॉर डिजायर्ड रिजल्ट्स द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज लिंक्ड टू हमें कहा जा रहा है कि जो डीएनए की रिकॉम्बिनेंट टेक्निक होती है उसमें अपने मुताबिक रिजल्ट्स पाने के लिए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम कहाँ पे लिंक करवाते हैं तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर हम डीएनए एन रिकॉम्बिनेंट टेक्निक भी बोल सकते हैं अभी रिकॉम्बिनेंट टेक्निक डी क्या होता है ये प्रिपेयर करा जाता है इट इज़ बाय यूजिंग एंजाइम्स बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं उसको यूज़ किया जाता है यूजिंग एंजाइम्स एंड वेरियस लैबोरेटरी टेक्निक्स लैब में ऑब्वियसली प्रिपेयर करा जाता है तो लैबोरेटरी टेक्निक्स भी यूज करी जाती हैं इसके लिए वेरियस लैबोरेटरी टेक्निक्स और ये करा क्यों जाता है टू मैनुपलेट एंड आइसोलेट डी एन ए टू मैनुपलेट एंड आइसोलेट डी एन ए सेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट हमें जो भी डीएनए का सेगमेंट चाहिए होता है अपने मन का उसको आइसोलेट और उसको मैनुपलेट करते हैं इस टेक्निक की हेल्प से टू एंड आइसोलेट डीएनए सेगमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे है इसकी पूरी प्रोसेस क्या है वो समझते हैं तो सबसे पहले हम आइसोलेशन करते हैं आइसोलेशन किसका करते हैं उस डीएनए फ्रैगमेंट का आइसोलेशन ऑफ दी डी फ्रैगमेंट हमें जो भी डीएनए का मतलब पार्ट चाहिए जो भी हमें उसमें जेनेटिक कैरेक्टर चाहिए उस पार्ट ऑफ डीएनए को हम आइसोलेट कर लेते हैं उसके बाद हम उस डीएनए के सेगमेंट को या उस डीएनए के फ्रैगमेंट को इंसर्ट कर देते हैं एक आइसो एक सुटेबल वेक्टर में सो इंसर्शन ऑफ दी आइसोलेटेड जीन जो हमने डीएनए फ्रैगमेंट लिया उसमें वो जीन होगा तो इंसर्शन ऑफ द आइसोलेटेड जीन इन अ सूटेबल वेक्टर एक उसके हिसाब से जो वेक्टर सुटेबल हो उसमें उसको इंसर्ट कर देते हैं सुटेबल वेक्टर इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने जब उसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पोस्ट में डाल देते हैं सो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ द आर डी एन द होस्ट उस आर डी एन ए को पोस्ट में हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसके बाद वो सिलेक्शन करता है एंड आइडेंटिफिकेशन करता है सिलेक्शन करता है आइडेंटिफिकेशन करता है किसका जो होस्ट ट्रांसफॉर्म हो पाए हैं मतलब जो होस्ट उस कैरेक्टर को अपने अंदर ले पाए हैं सो सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी ट्रांसफॉर्म होस्ट एंड अब इसमें जो लास्ट चीज़ होती है वो है एक्सप्रेशन जो भी हमने उस जीन में कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था या जो भी उस जीन में कैरेक्टर था उसका अब एक्सप्रेशन होगा एक्सप्रेशन ऑफ दी इंट्रोड्यूस्ड जीन इंट्रोड्यूस्ड जीन इनटू दी होस्ट उस होस्ट में हमें वो कैरेक्टर्स दिखने लगेंगे जो उस फ्रैगमेंट में थे ये हमारी पूरी टेक्निक होती है क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ लिंक करेंगे तो हमने यहाँ पे देखा कि उस जीन को हम एक सुटेबल वेक्टर में लिंक करते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन बेस्ट ऑफ लक